वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। मैं अभी तक जो फोन यूज कर रहा था, जिससे अभी तक जो आपने वीडियोस देखे हैं, वो अभी तक थे शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो, और काफी टाइम हो गया था मुझे उसे यूज करते हुए। तो मैं एक छोटा सा अपग्रेड देते हैं, छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैंने एक नया फोन लिया है, ये रखा है यहाँ पे। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, और मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि काफ़ी प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग होने वाली है। अपना देसी जो घर हाउस होल्ड वाली अनबॉक्सिंग होती है, उस टाइप की अनबॉक्सिंग होगी। तो चलिए करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया इसको। चलिए खोलते हैं इसको, और सैनिटाइज कर दिया मैंने, वीडियो में देख लिया होगा आपने। अरे रुकिए, कुछ चाकू वाकू लेके आते हैं। देखा मैंने बोला था ना, हाउस होल्ड वाली ही। बताइए, फोन खोलने जा रहे हैं और कुछ लिया ही नहीं है खोलने के लिए। ये रहा भाई साहब, कट द केक हो गया। तो ये मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा फोन, उल्टा है, काफी भारी। इंडिया नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, मेड इन इंडिया। 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। ये कुछ हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशन लिखी है, जैसे 732G का प्रोसेसर है, 6000mAh की बैटरी है, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वो तो आगे लिखा ही है। और जो वेरिएंट मैंने मंगाया है वो 8GB रैम 128GB रोम है। तो चलिए खोलते हैं इसको भी। भाई साहब इतनी तमीज से आज तक कभी फोन नहीं खोला हमने। तो ये है भाई साहब, काफी प्यारे से येलो कलर में इसका टॉप में ये फोन। इसको अभी रखते हैं थोड़ा साइड में, और देखते हैं क्या क्या है इसके बॉक्स में। ये एक USB टाइप सी केबल, लाल रंग का इंसर्ट अंदर। ये रहा हमारा 33W का फास्ट चार्जर। तो अब इन सब चीजों को रखते हैं साइड में। Xiaomi की तरफ से ये एक केस, जो कि ठीक क्वालिटी है। अब देखते हैं फोन को। ये रहा हमारा फोन, निकालते हैं इसको बाहर। ये रहा फोन हमारा फ्रंट, ये रहा बैक। कलर इसका शेडो ग्रे कलर है, और ये क्वाड कैमरा, एक 64MP का मेन कैमरा है, 13MP का वाइड कैमरा है, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको बूट। और फिजिकल अपीयरेंस जो इसका देखा जाए, तो ये है पावर बटन, और सी पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये है वॉल्यूम रॉकर, और ऊपर है ये एक IR ब्लास्टर। ये स्पीकर है, इसमें दो स्पीकर आते हैं, एक स्पीकर ऊपर है और नीचे एक स्पीकर है, और एक टाइप सी पोर्ट, और हमारा ईयरफोन जैक जो कि आजकल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और ये है सिम कार्ड ट्रे। ऐसा कुछ दिखता है फोन, बड़ा सा पोको लिखा हुआ है। ये बैग इसका ग्लास नहीं है, प्लास्टिक की ग्लास है। तो चलिए बूट करते हैं इसको। और हाँ, फ्रंट में इसके यहाँ पंच होल कैमरा, और फ्रंट में आता है हाइब्रिड ट्रे, एक मेमोरी कार्ड, और आपको पता ही होगा हाइब्रिड क्या होता है। आइए जब तक ये बूट हो रहा है, तब तक इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे, MIUI 12 इसका है, और स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है। और वेट के बारे में बात की जाए, तो ये थोड़ा सा भारी है नॉर्मल फोन से। इसका वेट अराउंड 215 grams है। और या हो चुका है हमारा फोन बूट। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। मैं अराउंड 2.5 साल बाद फ़ोन चेंज कर रहा हूँ, और इसका जो एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा वैसी फालतू ऐप्स नहीं है इसमें। कुछ कुछ हैं, गेम्स वगैरह हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गेम से हमें मतलब है नहीं। और बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमने फ़ोन लिया है। ये है इसका मेन सेंसर, ये है इसका थोड़ा सा वाइड एंगल, और कैमरा तो धीरे धीरे आप हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। बाकी इसमें प्रो मोड है, वीडियो मोड है, फिर ये पोर्ट्रेट मोड है, और मोड में फिर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपका नाइट मोड है, 64MP मोड है, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, व्लॉग, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, फ्रंट एंड। हाँ, इसमें एक ही आता है कि आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते। अब इसकी फुटेज कैसे आती है वो मुझे देखना है। और फ्रंट एंड बैक है, देन AI वाटरमार्क आप चाहो तो हटा सकते हो, लॉन्ग एक्सपोजर मोड, देन एक क्लोन मोड आता है इसमें, ये आपको मैं करके बताऊंगा। इसमें
चलिए नाम से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, बाकी मैं करके आपको बाद में बताऊंगा। एडिट है ये कि आप क्या क्या इस पे चाहते हो। और हाँ, इसका जो कैमरा है उनमें आप वीडियो जो है वीडियो के बीच में आप क्वालिटी स्विच कर सकते हो। जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो 4K 30fps पे 1080p 60। और फ्रंट कैमरे की अगर बात करें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। क्वालिटी की बात करें तो 1080p 30fps और 720p 30fps तक आप शूट कर सकते हो। और इसमें भी आपको मूवी फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। और आइए इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं अपने चैनल से अच्छा क्या होगा। तो और ये है कुछ फोटो सैंपल्स जो मैंने इसी फोन से क्लिक किए हैं। ये एक फ्रेम है और ये उसी फ्रेम का वाइड एंगल शॉट है। और ये है एक नाइट मोड में फोटो। और ये है एक ऑब्जेक्ट शूट जो कि मैंने धर्मशाला से लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में वीडियो डाल देता हूँ। और ये है उसी का एक सेकंड सेम पैर साथ में ही लिए थे मैंने दोनों। और फिर ये है एक सैम्पल जो कि 1:2 जूम से है। ये है उसका वाइड एंगल शॉट उसी फ्रेम का। और ये है उसी फ्रेम का 2:2 जूम पे जो शॉट। और ये है एक इंडोर शॉट। और फोटोज कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी तक जो आप वीडियोस देख रहे थे वो आप देख रहे थे इस वाले फोन से, नोट 5 प्रो से। तो अब जो चैनल पे वीडियोस आएंगी वो थोड़ी सी क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी होगी, ऑब्वियसली अच्छी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्वालिटी चेक अभी ही कर लेते हैं। तो जो वीडियो की एंडिंग करते हैं वो हम नए वाले फोन से करते हैं, पुराना वाला फोन मेरा ये रहा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी अपने थॉट्स हों वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बहुत सी चीज़ें मेरे से छूट गई होंगी वीडियो में, तो उसके अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो कुछ भी फ़ोन के बारे में या कुछ भी, तो वो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा वो बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और।